अभी हम कानपुर आ गए हैं और कानपुर से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ये आपको मेरे साथ पता लगता जाएगा, तब तक कि आप मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ शिवालय आ चुके हैं, आपको अगर यहाँ पे कुछ समझ में आए तो आके ले लेना, कानपुर में ये मार्केट गोलगप्पे ले ले कसमे तुम्हें कानपुर में मिला। हाय करो भाई मेरे व्लॉग में। तो देखिए कोरा देखिए। तो गाइस हम लोग सारी तरह की दवा लेने आए हैं। सो गाइस हम लोग कानपुर सेंटर पहुंच चुके हैं और जो हमारी ट्रेन है क्यों कैसा लग रहा तुमको चल के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा गाइस आप लोग देख सकते हैं रात के 12 बजे भी इतनी भीड़ है सेंटर में। गाइस मेरा आउटफिट ऑफ द नाइट ये है और हम लोग यहाँ पे ट्रेन में आ चुके हैं और ये देखिए हमारी ट्रेन के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और सर्दी बहुत है, इसलिए मैं पूरा पैक होके आई हूँ और चाय पी रही हूँ। आप लोग भी चाय पीजिए। सो गाइस हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं अभी और हमारी कैब आ गई है, कैब में बैठेंगे जो का वो आपको अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस देखिए हम लोग की गाड़ी भी आ गई है, ये रेडी खड़ी हुई है, ये हमारा सामान लग गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, थकी नहीं हो तुम? कल से ट्रैवल कर रही हो। आंटी जी पूरे रास्ते खिड़की की तरह बैठी वंदे भारत। और क्यों ये टोपे में ये क्या निकला हुआ था? वंदे भारत ना बैठा देना, दो दो टोपा लगाए भैया अब भी सुरक्षा कर रहे हैं ना। आंटी जी वंदे भारत ना बैठा लेना खिड़की के बाहर। आंटी आप रात होने के इंतजार कीजिए, फिर शाम तो हो गया। पैर ठीक होते तो चिटके जाल में। आपको हम अपना रूम टूर देते हैं। देखिए ये हमारा स्वीट रूम है, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पे। एक हम लोगों ने मैट्रेस एक्स्ट्रा पड़वा दिया, ये हमारा बेड है, ठीक है। ये एक ड्रेसिंग टेबल दी गई है और बाथरूम का मैं टूर क्या ही दूं आपको।